पौड़ी जिले के कलसीखाल ब्लॉक के एक रिटायर्ड फौजी को 7 शराबी युवकों ने नशे में धुत होकर लहू लुहान कर डाला। जानलेवा हमले में घायल हुए रिटायर्ड फौजी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने राजस्व विभाग को शिकायत की, जिसमें नायब तहसीलदार पौड़ी संजय नेगी ने मुकदमा दर्ज करते हुए राजस्व विभाग ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य 4 की तलाश जारी है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गांव में सार्वजनिक स्थान पर 7 बाहरी लोग शराब पार्टी कर रहे थे, जिन्हें एक रिटायर्ड फौजी ने टोका तो नशे में धुत शराबियों ने फौजी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिनका उपचार देहरादून के निजी अस्पताल में चल रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। रोज मतलब दूसरी जगह के जो लोग हैं वो हमारे शरद में वहाँ पे दारू पीने जाते हैं। जब हमारा भाई जो देवर है हमारा, वो दुकान में जा रहा था सामान लेने, वो उसने बोला कि तुम रोज यहाँ पे दारू पीने के लिए आते हो, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे दुकान में राशन पानी लेने जाती है, तुम गाली गलौज करते हो तो ये अच्छा नहीं है, हमारी लड़कियां स्कूल से आती हैं तुम अल्ट्रासाउंड गाली गलौज करते हो, उन पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ पे बहुत गंदा माहौल बना हुआ है। उसने इतना ही बोला, इन लड़कों ने उसको माँ बहन की गाली गलौज कर दी, माँ बहन की गाली गलौज करी, उसने एक छोटी सी सूखी डंडी उठा के उस पर लगा दी। इन्होंने उसको जो मतलब इतनी बुरी हालत से मारा उसको कि पैर 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 से उसका सिर फाड़ दिया। उसके सिर में जो है टांके लगे हुए हैं और यहाँ पे टांका लगा हुआ है, उसकी स्थिति बहुत खराब है और ये चीजें बंद होनी चाहिए। वहाँ जखेट इंटर कॉलेज तक हमारे बच्चों का खतरा है। वहाँ पे वहाँ पर सार्वजनिक यात्री क्षण में करीबन 7-8 लड़के दारू पी रहे थे। हमारे गांव के एक अभी 7-8 महीने पहले एक जवान घर आया, रिटायरमेंट हो गए, उस वो गया, उसने बोला भाई यहाँ पर दारू मत पियो, ये सार्वजनिक है, यहाँ से हमारी बहू बेटियाँ लकड़ी घास के लिए जाते हैं। तो उनके आपस में कहसनी हो गई। मैं वहाँ पर खड़ा था तो उसने विक्रम सिंह जिसको चोट लगी उसने मेरे को बोला भाई साहब इधर आओ। मैं वहाँ पर गया, उसने बोला ये लोग दारू पी रहे। मैं कहा क्यों भाई दारू क्यों पी रहे हो? तो मामला वहीं पर हुआ। फिर उनकी क्यों किस बात में कह सुनी हुई, उसके बाद इन्होंने 5 लड़कों ने उसको पकड़ा, गिराया, उसको ऐसा पीटा कि जैसे किसी निर्जीव आदमी को करता, उसके मुंह पे लात घूसों से, ज़्यादातर लातों से उसको मारा, उसका पूरा सिर पूरा फट गया, उसकी आंख की साइड में हड्डियां टूट गई। इसमें जो है कि 7 लड़कों के द्वारा जो है एक लड़की के साथ जो है मारपीट की गई है, जिस संबंध में जो है हमारे पास जो है कि ग्राम चिंडौल के जो है उनके भाई, क्या वो उनके भाई जो है विक्रम सिंह के भाई जो है जिनके साथ मारपीट हुई, उनके भाई लक्ष्मण सिंह के द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर जो है अभी वर्तमान समय जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है 7 अभियुक्त थे, जिसमें जो है एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 को जो है फिलहाल पुलिस कब्जे में लिया गया है। ठीक है, इसके बाद ही उनके बयान के आधार पर ही अन्य जो फरार जो चल रहे हैं अभियुक्त उनको जो है तलाश जारी है, उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।